सलमान खान पिछले कुछ समय से अपने आने वाली फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चाओं में हैं। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस फिल्म के बारे में ऑफिशियली अपडेट मांग रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स की मानो तो सिकंदर को लेकर कोई भी अपडेट कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बाद ही शेयर की जाएगी। चंदू चैंपियन 14 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड हंगामा के सोर्स के मुताबिक चंदू चैंपियन साजन नडियाडवाला और कार्तिक आर्यन के लिए बेहद स्पेशल है, इसी वजह से वो फिलहाल अपना सारा फोकस चंदू चैंपियन पर देना चाहते हैं। चंदू चैंपियन की रिलीज के बाद साजन नडियाडवाला सिकंदर की मार्केटिंग और फर्स्ट जनरेशन में जुटने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक सिकंदर की शूटिंग 20 जून से शुरू होगी और टीम एक बार फिर विजुअल एसेंस यानी VTS के साथ फिल्म की घोषणा करेगी यानी कि अनाउंसमेंट करेगी। इस विजुअल एसेंट में इंडियन सिनेमा के सिकंदर सलमान खान भी नजर आएंगे। सारी प्लानिंग इस तरह से की गई है कि दोनों फिल्मों के बीच कोई ओवरलैप ना हो। दबाव में साजिद अपनी फिल्मों के बारे में अपडेट शेयर नहीं करते, बल्कि एक समय में ही एक ही फिल्म पर वो ध्यान देना चाहते हैं। इसलिए फिलहाल वो चंदू चैंपियन को अपना 100% यानी 100% देना चाहते हैं। वेल, साजिद नडियाडवाला के खाते में चंदू चैंपियन और सिकंदर के अलावा हाउसफुल 5 भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदर अगले साल यानी 2025 में आने वाली फिल्म है। सलमान और अक्षय की फिल्म के बारे में अपडेट 2024 के सेकंड हाफ से दिया गया है। सलमान खान ने इस साल ईद के मौके पर सिकंदर के बारे में फैंस को बताया था, हालांकि जिसके बाद फैंस काफी खुश नजर आए थे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक खास नोट भी शेयर किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, इस ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान देखो और अगले ईद पर सिकंदर से मिलने आना। वैसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।